मैं यहाँ पे कोई इंस्पिरेशन या कोई चीज़ का लेक्चर देने नहीं आई हूँ, बस मैं 2 मिनट्स लूँगी। पहले जब मैंने ये इनविटेशन पढ़ा था यहाँ का, आई डिडंट नो दैट दिस गर्ल इज़ नो मोर। आई एम सॉरी टू से, आई डिडंट नो दैट शी इज़ नो मोर। हम लोग को पता नहीं था। व्हेन आई केम हियर, व्हेन हर फादर स्पोक अबाउट हर, आई वॉज रियली, यू नो, इट वॉज अ फीलिंग वेयर यू नो यू विल फील सो इमोशन एंड ऑल, यू नो। मुझे बहुत बुरा लगा कि मतलब इतना अच्छा लाइफ, उनके पापा इतने बड़े इंसान हैं, पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा किया। मे बी उनके कोई सर्कमस्टेंस की वजह से उन्होंने ऐसा किया होगा, बट फिर भी मैं आप लोग को बोल रही हूँ, आपके पास बहुत अच्छी लाइफ है, प्लीज़ इसे खुशी से जिए। अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए ना सही, अपने पेरेंट्स के लिए जिए प्लीज़। और देखिए, हम लोग ना यहाँ पे, हमारे पेरेंट्स हमको छोटे से बड़ा करते हैं, ठीक है ना। हम इतने होते हैं ना, वो लोग अपने अरमान, उनके बहुत सारे अरमान होते हैं कि मेरी बच्ची अगर बड़ी होगी तो मैं उसकी शादी करूँगी, ठीक है, उसको मतलब किसी और के घर देखू, घर भेजूँगी, खुश रहूँगी उसको देख के। तो प्लीज़ अपने लिए ना सही, अपने पेरेंट्स के लिए जियो, ठीक है। डोंट यू नो जस्ट नहीं रहने के लिए रहना है, ऐसा नहीं है, प्लीज़ ओके। अपने अपने हिसाब से जियो, प्लीज़ बी हैप्पी, खुश रहो हमेशा, अपने एनवायरनमेंट को खुश रखो, अपने आसपास जितने लोग हैं सबको खुश रखो और खुद भी खुश रहो। थैंक यू।